काफी सारे लोगों के सवाल आते रहते हैं कि मेरे फीमेल पार्टनर को मैं सेटिस्फाई कैसे करूं, ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फाई कैसे करूं। मैंने काफी वेबिनार्स इसके बारे में किए हुए हैं, आज एक स्पेशल वीडियो और बनाता हूं जिसमें कुछ पॉइंट्स क्लेरिफाई हो जाएंगे। तो आइए, मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूं, महाराष्ट्र में पिछले 37 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूं। देखिए, सेक्स का मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ पेनिट्रेशन करना, मतलब लिंग का योनि में प्रवेश करना, वीर्य अंदर गिराना, बाजू हो जाना, ये सेक्स नहीं है। सेक्स में तीन पार्ट होते हैं मेनली, एक होता है फोर प्ले, फिर होता है सेक्स, और तीसरा होता है आफ्टर प्ले या आउट प्ले। अभी आप फोर प्ले में जितना ज्यादा टाइम देंगे उतनी ज्यादा सेटिस्फेक्शन फीमेल को मिलेगी। तो उसमें ब्रेस्ट को चूसना, हाथ लगाना, लिकिंग करना, एक्साइट करना, सभी पार्ट्स को टर्न बाय टर्न टच करना, लिक करना, तो ये यदि करते हैं आप तो उससे बहुत एक्साइटमेंट औरत को मिलती है। क्लाइटोरिस जो रहता है उसका, वो क्लाइटोरल स्टिमुलेशन भी आप करते हैं, जो योनि लिंग बोलते हैं, मतलब योनि के जस्ट ऊपर के बाजू रहता है, वो यदि फिंगरिंग करते हैं, फिंगरिंग उसे, और फिंगर अंदर डाल के भी थोड़ा फिंगरिंग करते हैं, तो उसको बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट आ जाएगा। फिर नेक्स्ट जो है कि सिर्फ सेक्स नहीं, आउट प्ले या आफ्टर प्ले करना बहुत जरूरी है। क्या होता है कि एक बार डिस्चार्ज हो गया तो पुरुष तुरंत बाजू हो जाता है, कपड़े पहनता है, सो जाएगा या चले जाएगा। तो ऐसा करने से औरत को लगता है कि मेरा इस्तेमाल किया गया, मेरा यूज किया गया। तो ऐसा लगना नहीं चाहिए, उसका सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। इसलिए डिस्चार्ज होने के बाद में भी उसके साथ में प्यार के बातें कर रहे हैं, गप्पा मार रहे हैं, हक कर रहे हैं, किस कर रहे हैं, तो ये होना बहुत जरूरी है। हो सकता है कि आपके साइकोलॉजी में कुछ अंतर हो। साइकोलॉजी में अंतर मतलब कैसा है कि भाई टेंशन है, उसको अच्छा नहीं लगता है, और आप उसको कुछ समझो ओरल सेक्स करने के लिए बोल रहे हो, उसको अच्छा नहीं लगता है, या उसके दिमाग में टेंशन है, या आपके दिमाग में टेंशन है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ तो भी गुस्सा आया हुआ है, कोई झंझट झगड़ा हुआ है, दिमाग के ऊपर बहुत प्रेशर है, तो ऐसे ही इसमें फिर सेक्स होगा नहीं और वो सेटिस्फाई होंगे नहीं। हो सकता है कि आपको मालूम नहीं दिन भर में क्या हुआ, उसकी उसका दिमाग ठिकाने पे नहीं होगा, कहीं झंझट झगड़ा हुआ होगा, और फिर आप बातें करेंगे सेक्स की तो वो कॉपरेट करना दूर की बात हो गई। शुरू में जब आप सेक्स करते हैं तो उसके साथ में अच्छी बात करो, उसको अप्रिशिएट करो, एक्नॉलेज करो कि आपने अच्छे कपड़े पहने हैं, स्मार्ट दिखती है, आप सलवार कमीज में अच्छी लगती है या साड़ी में अच्छी लगती है, या जो भी कुछ आपको करना है कि आपने अच्छा खाना बनाया था रात का, जो भी आपको अप्रिशिएट एक्नॉलेज करना है तो जरूर करो। पेनिस साइज जो है वो सेटिस्फाई करने के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जो आप पॉर्न वीडियो में देखते हैं बड़े बड़े पेनिस, तो वो कोई जरूरी नहीं, क्योंकि फीमेल का जो वजाना है उसका बाहर का 1-1.5 इंच पार्टी सेंसिटिव होता है। तो आपका पेनिस का इरेक्शन के बाद का या इरेक्शन पहले का भी यदि लंबाई सिर्फ 1.5 इंच होंगी तभी भी वो सेटिस्फाई होंगी, क्योंकि अंदर उसको मालूम ही नहीं पड़ता कितना गया। तो उसको सेटिस्फाई करना है तो ज्यादा से ज्यादा 1.5 इंच रहा तभी भी वो सेटिस्फाई हो सकती है। तो दूसरा एक और सवाल आता है कि कितना टाइम करने सेटिस्फाई होती है। तो देखिए, टाइम का बहुत ज्यादा महत्व है। टाइम मतलब ऐसा है कि 1 मिनट से पहले यदि डिस्चार्ज हो गया तो डेफिनेटली वो प्री मैच इजैकुलेशन है, वो सेटिस्फाई नहीं होंगी। पहले क्राइटेरिया 2 मिनट का था, मगर अभी एवरेज में ऐसा मालूम पड़ा है कि 5 मिनट से 6 मिनट या 4 से 6 मिनट, एवरेज में 5 मिनट यदि करते हैं तो सेटिस्फाई वो हो जाएंगे। यदि ये सब करने के बाद में भी आपको यदि फायदा नहीं हुआ तो फिर क्या करना है, आपने डॉक्टर को कंसल्ट करना है। और जैसे हम ऑनलाइन कंसल्टेशन में करते रहता हूँ, मेरे पास में काफी ऑनलाइन कॉल्स आते हैं, नीचे नंबर दिए हुए, वैसे ही उसको अच्छा सेटिस्फाई करने के लिए उसकी इच्छा होना जरूरी है, आपने उसका कंसेंट लेना जरूरी है। लोग क्या समझते हैं कि दो ही ऑर्गन्स महत्व के हैं, ऐसा नहीं है। सिर्फ ब्रेस्ट और भजाना, ये दो ऑर्गन मतलब सेक्स, ऐसा होता नहीं है। वो एक्साइटमेंट उसको कहां से भी मिल सकती है, स्पेशली जो मतलब ये जो हिस्सा है शोल्डर्स का हिस्सा है वो है, बटक्स है, पेट है, ब्रेस्ट है, ऐसे अलग अलग, और क्लाइटोरिस है, जी स्पॉट है, वहां से बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होता है, और वो आपने टिकलिंग या फिंगरिंग करना जरूरी है। कभी हो सकता है कि बोर हो गए, रोज रोज वही पार्टनर, वही जगह, वही बेड, इसलिए बेड चेंज करना, जगह चेंज करना, बेड की बेडशीट्स बदलना, अलग अलग पोजीशंस में करना, तो ये सब करते हैं तो उसमें जरा नवीनता आती है, नयापन आता है, और उसमें भी उसको सेटिस्फेक्शन अच्छा मिल सकता है।
बेडरूम में स्प्रे मारना, कुन्ने स्नान करके अपने ऊपर स्प्रे मतलब बॉडी स्प्रे मार लेना, ये आप करते हैं तो डेफिनेटली सेटिस्फेक्शन के लिए फायदा हो जाएगा। मुझे पक्का विश्वास है कि ये सब बातें आप करते हैं तो आपकी फीमेल पार्टनर अच्छी सेटिस्फाई हो जाएंगी और आपके साथ में लंबे समय तक चलेगी। थैंक यू वेरी मच।